हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए कोविड बेड की क्षमता 5,000 तक बढ़ाई जाएगी, ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल 2,000 से ज्यादा बेड की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 3,000 सिलेंडर मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी लोग बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में अपने घरों को आ रहे हैं, वे सभी अपना कोरोना का टेस्ट जरूर करवाएं व होम आइसोलेशन में रहे, ताकि यदि वे कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो लोगों में कोरोना संक्रमण ना फैल सके। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और लोगों को हिदायत दी गई है कि 50 लोगों से ज्यादा लोग शादियों में नहीं आने चाहिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं और 50 से अधिक संख्या में समारोह में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी का जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए सभी सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलाधीशों व एसडीएम को बाहर से आने वाले लोगों व शादियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दे दिए हैं। बस ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब जहां कोविड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है, हम अब फोकस कर रहे हैं कि हम एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हमने निर्णय कर लिया। 3,000 से ऊपर हमने हमने एट प्रेजेंट हमने व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए जो काम किया है उसमें हम काफी हद तक हम सफल हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ऑक्सीजन सभी जगह उपलब्ध हो उस बात के लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश। और जहां हम इस बेड कैपेसिटी को 5,000 तक हम उसको स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं ये भी मैं बताना चाहता हूं, हमने केंद्र से जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो उसकी कमी है, सिलेंडर की, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर की उपलब्धता के लिए हमने कहा है 3,000 की हमने उसमें मांग की है, 3,000 सिलेंडर हमको उपलब्ध होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमारा काम सरल हो जाता है। अभी मैं कांगड़ा जा रहा हूँ, कांगड़ा में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा परिस्थिति खराब है, उसमें वहाँ बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और बातों को लेकर के मिनिस्टर भी साथ में जा रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी साथ जा रहे हैं और उसके बाद एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। सर एक तो अभी हमारे सभी डीसी डिप्टी कमिश्नर के साथ, सीएमओ के साथ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हमारी हुई अभी बहुत डिटेल में उसमें डिस्कशन हुई है। और यहाँ तक कि हमने वार्ड के अंदर जो है हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और उसके बाद सफाई कर्मचारी और उनके साथ साथ में वहाँ पर जो वार्ड बॉय है उनके साथ भी इंटरेक्शन किया, अंदर का फीडबैक, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने बहुत डिटेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। और मुझे इस बात का मुझे संतोष है। कठिनाई बहुत है, मुश्किल बहुत है, बहुत बड़ा संकट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो है, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सब के सब और सारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत जो है वो मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और सेवा के भाव के साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं ऐसे में जरूर मैं कहूँगा कि जो लोग अपने जीवन को भी संकट में डाल करके इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जहाँ उस कोविड के पेशेंट के पास कोई भी परिवार का सदस्य नहीं जा सकता है, रिश्तेदार नहीं जा सकता है, दोस्त नहीं जा सकता है, साथी नहीं जा सकता है, वहाँ साथी बन करके, रिश्तेदार बन करके, परिवार का सदस्य बन करके ये हेल्थ केयर वर्कर, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी जो वार्ड के अंदर कर रहे हैं काम और सब, चाहे वो हमारा वार्ड बॉय है, सब लोग उस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन का उसका प्रोसेस होगा और रजिस्ट्रेशन के साथ फिर उसको किस प्रकार से हमारे को वैक्सीन कितनी उपलब्ध होगी और किस प्रकार से उसको आगे हम उसको ये कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कठिनाई किसी को ना हो, तो ये सारी चीज़ के लिए मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर सारी प्रॉब्लम हमारी कम्प्लीट हो जाएंगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं, उसमें काम करें। हमारी कमिटमेंट है कि हिमाचल प्रदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये वैक्सीन लगाने के लिए जो निर्णय किया है उस पर आगे बढ़ेंगे। इंटर स्टेट मूवमेंट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना केंद्र की ओर से किया गया है ना स्टेट की ओर से किया गया है। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल के लोग
और हिमाचल के साथ में दूसरे लोग जो हिमाचल पर आ रहे हैं, हिमाचल के लोग तो घर आ रहे हैं, अपना घर है, परिवार है, हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको रोकना भी संभव नहीं है, रोकना भी उचित नहीं है। लेकिन हमने उनसे विनम्र आग्रह किया है, ऐसे संकट में आप जहां से भी आ रहे हैं आप आइए, कहीं किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन मेहरबानी करके एक काम करिए कि आप अगर वहां से आ रहे हैं, अच्छा होगा आप RT-PCR का टेस्ट करके आए, एक बात आग्रह कर रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं। और उसके साथ दूसरी बात हमने ये भी कही कि अच्छा होगा अगर RT-PCR टेस्ट आप नहीं कर पाए, उस सूरत में एक बात को सुनिश्चित करें कि अगर आप घर पहुंच रहे हैं तो घर पहुंच करके होम क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन में रहें, और होम आइसोलेशन में रह करके लोगों के बीच में वो संक्रमण ना जाए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग। अभी जो बॉर्डर पर रेगुलेट करने की जो बात है उसको एनफोर्स करने में कठिनाई आ रही है, बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिनिधि हमारे जो भी हैं शहरी क्षेत्र में भी, वो सबकी ड्यूटी लगा दी, हेल्थ केयर वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी है, और अब एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने आप मॉनिटर कर रहे हैं, सभी SDM की ड्यूटी लगा दी है, और उसके साथ साथ में सख्ती हमने ज्यादा करने के लिए निर्णय कर लिया कि जो शादियों में लोग जो है अभी तक भी नहीं मान रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत हमको इस बात को लेकर के सब बहुत नाराजगी है, सुबह से शाम तक 50-50 की जो है वो पांच बार लोगों को बुला रहे हैं, सुबह 50 बुला रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी एक घंटे के बाद 50 बुला रहे हैं, वो उचित नहीं है, वो शाम तक 500 और 1000 का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं, वो गलत है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि किसी के जिंदगी को संकट में डालने का अधिकार किसी को नहीं है, शादी करिए लेकिन सिर्फ शादी करिए, लेकिन ये धाम के आयोजन बंद।